नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन में सबसे बड़ी अहमियत राशन की रही है। फिर चाहे सरकार द्वारा राशन दिया गया हो या फिर दुकानों से राशन खरीदा हो, राशन की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग अनिवार्य किया गया है, मगर पूरे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नहीं मिली। ऐसा ही गढ़मुक्तेश्वर के मीरा रेती में देखने को मिला, जहां राशन के लिए आए लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखाई नहीं दी, ना ही किसी के फेस पर मास्क लगा दिखा। वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग में लाइन लगाना राशन डीलर की जिम्मेदारी होती है, मगर आम जनता का भी कुछ सहयोग बनता है, जो कि आम जनता कहीं भी सहयोग करती नजर नहीं आ रही है। राशन डीलर का कर्तव्य हर एक उपभोक्ताओं को हाथ सैनिटाइज कराना, मास्क अनिवार्य कराना और सोशल डिस्टेंसिंग में लाइन लगाकर राशन देना है, मगर राशन डीलर को जल्दी राशन बांटकर पैसा इकट्ठा करना है और उपभोक्ताओं को जल्दी राशन घर लेकर जाना है। मगर दोनों को ये नहीं पता कि जल्दी के चक्कर में पूरा क्षेत्र कोरोना का शिकार हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।